स्वागत आप सभी का द फोर्थ स्टेट न्यूज़ नेटवर्क में और मैं हूं रंजन। आज के कोविड अपडेट की अगर बात करूं, आज कोविड अपडेट जो है 331 केसेस जो है पूरे जम्मू कश्मीर में निकलकर सामने आए हैं, जिसमें से कश्मीर डिवीज़न से लगभग 254 केसेस आए हैं और जम्मू डिवीज़न से 77 केसेस निकलकर सामने आए हैं। अब इसमें जो डेथ्स हैं, डेथ्स की बात करें तो डेथ्स पूरे दिन में आज जम्मू कश्मीर में 6 डेथ्स हुई हैं, और जिसमें से 5 डेथ्स जम्मू डिवीज़न से हुई हैं और एक डेथ जो है वो कश्मीर डिवीज़न से हुई है। उसके अलावा आज पूरे दिन में जो रिकवरीज़ हैं, टोटल रिकवरीज़ आज 437 रिकवरीज़ हुई हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, जिसमें से जम्मू डिवीज़न से 158 पेशेंट्स जो हैं वो रिकवर होकर अपने घरों को गए हैं और कश्मीर डिवीज़न से 279 पेशेंट्स जो हैं रिकवर होकर अपने अपने घरों को गए हैं। अब ये जो 6 डेथ्स हुई हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, इसके बारे में बताएं आपको तो 6 डेथ्स हैं, 3 डेथ्स जीएमसी डोडा से हुई है, 1 डेथ जीएमसी जम्मू से, उसके अलावा 1 डेथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर, उसके अलावा 1 डेथ जो है जीएमसी अनंतनाग से हुई, जो अनंत कश्मीर डिवीज़न में आता है, यानी कश्मीर डिवीज़न से एक ही डेथ हुई है और वो भी जीएमसी अनंतनाग से। बाकी सभी 5 की 5 डेथ्स आज जम्मू डिवीज़न से निकल कर सामने आई हैं। कहीं ना कहीं जहाँ एक तरफ केसेस लगातार अब डिक्लाइन हो रहे हैं, लगभग पूरे जम्मू डिवीज़न में आज 77 केसेस थे पूरे जम्मू डिवीज़न में, तो कहीं ना कहीं जहाँ केसेस लगातार डिक्लाइन की तरफ हैं, वहीं डेथ्स जो हैं अभी भी बीच में कभी 1-2 डेथ्स होती हैं, कभी 5-6 डेथ्स भी हो जाती हैं, तो ये ना कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंताजनक विषय ज़रूर है। अब इसी के साथ मैं आऊँगा अगले बात पर। हमारा जो अगला जो आज अपडेट है मेन, वो है कि सूत्रों के हवाले से कुछ खबर हाथ लगी है कि जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स 15 जुलाई के बाद खुल सकते हैं। ये आज की खबर एक निकल कर सामने आ रही है। सबसे पहली बात, स्कूल्स खुलेंगे तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग चाहते हैं, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि फिज़िकल जो क्लासेस हैं, फिज़िकल क्लासेस अटेंड हों स्कूल में जाके, क्योंकि वर्चुअल क्लासेस जो हैं कई सारे स्टूडेंट्स की, कई सारे स्कूल्स में जो है वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं, बच्चे जो हैं वर्चुअल क्लासेस के थ्रू पढ़ रहे हैं, लेकिन जो स्कूल्स हैं बच्चे चाहते हैं, कई सारे पेरेंट्स भी चाहते हैं कि जो फिज़िकल क्लासेस हैं वो चालू हों, जो बच्चे हैं स्कूल जाएँ, स्कूल में जाकर जो अपने कुछ भी उनको प्रॉब्लम्स आती हैं स्टडीज़ में, वो जाकर अपने टीचर से है कंसल्ट कर सकते हैं, वहाँ पर ऑनलाइन सामने बैठकर जो है फिज़िकली वहाँ बैठकर जो है पढ़ सकते हैं, कहीं ना कहीं उससे भी उनकी पढ़ाई पे जो है ज़्यादा अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल मेजर इशू ये है कि जिस प्रकार से पिछली 2 वेव्स जो गई हैं कोविड की, चाहे फर्स्ट वेव की बात करूँ, फर्स्ट वेव में जो बड़ी एज के लोग थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, सेकेंड वेव जो आई उसमें मिडिल एज के लोगों को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। अब आता हूँ मैं छोटे बच्चों पे आता हूँ मैं। अब जिस प्रकार से स्कूल खुलने की बात कर रहे हैं 15 जुलाई के बाद, लेकिन सवाल ये है कि क्या अभी स्कूल खुलना सेफ़ होगा। मैं ये सब इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी स्टूडेंट को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पेरेंट्स को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं स्कूल खुलने के खिलाफ हूँ, लेकिन एक छोटा सा सवाल है, क्या अभी स्कूल खुलना सही होगा, क्योंकि थर्ड वेव के बारे में कहा जा रहा है, थर्ड वेव में बच्चों पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, थर्ड वेव का कोविड का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है थर्ड वेव पे बच्चों पे पड़ेगा। ऐसे में स्कूल खोलना किस हद तक सही होगा, क्या अगर स्कूल खोले जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि थर्ड वेव जिसकी आशंका 6 से 8 हफ्ते में जताई जा रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि वो थोड़े जल्दी ही आ जाए। तो ऐसे में स्कूल खोलने से पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना होगा, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना होगा, लाइक स्कूल में किस प्रकार से जो है सोशल डिस्टेंसिंग का बच्चों को पालन करवाया जाएगा, किस प्रकार से जो है वहाँ पर सैनिटाइजेशन का, मेन सैनिटाइजेशन जो है उसका ख्याल किस प्रकार से वहाँ पर रखा जाएगा। साथ ही साथ जो बच्चे आएंगे, क्योंकि अब अगर स्कूल सभी स्कूल खोल देते हैं और सभी बच्चे जो हैं आना शुरू होंगे स्कूल्स में, कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से लाइव रुक गया था, तो मैं बात कर रहा था अगर स्कूल खुलते हैं तो काफ़ी सारे मेजर डिसीजन जो हैं गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे, लाइक स्कूल में सैनिटाइजेशन, लाइक स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह पालन होगा, गाइडलाइंस का किस तरह से पालन होगा, और सबसे बड़ी बात है क्या वैक्सीनेशन से पहले स्कूल खोलना सही रहेगा, ये भी गवर्नमेंट को अपने, सरकार को अपने माइंड में सोचना पड़ेगा, सरकार को इस बारे में भी सोचना पड़ेगा कि क्या प्रॉपर वैक्सीनेशन होने तक, जब तक कि स्कूल के सभी टीचरों की वैक्सीनेशन ना हो जाए,
सिंगल वैक्सीनेशन नहीं, डबल, जो दो वैक्सीन लगती हैं, दो बार वैक्सीन लगती है, पार्शियल वैक्सीनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फुल वैक्सीनेशन की बात कर रहा हूँ। क्या फुल वैक्सीनेशन से पहले स्कूल खोलना सही रहेगा? दूसरी बात, अभी छोटे बच्चे जो हैं 18 साल से नीचे बच्चे जो हैं, उनका अभी वैक्सीनेशन का इंडिया में ऐसा कुछ अभी शुरू हुआ नहीं है, तो उन्हें किस प्रकार से जो है वैक्सीनेशन किस प्रकार से लगेगी? क्योंकि अभी तक इंडिया में 18 साल से नीचे के बच्चे जो हैं उन्हें अभी वैक्सीनेशन नहीं लग रहा है। ऐसे में विदाउट वैक्सीनेशन क्या बच्चों को स्कूल भेजना सही रहेगा? इस बारे में भी सोचना होगा। उसके अलावा पार्शियल वैक्सीनेशन की मैं बात कर रहा था, पार्शियल वैक्सीनेशन के जब अगर कहीं पार्शियल वैक्सीनेशन हुई है तो वहाँ पर स्कूल खोलना किस हद तक सही रहेगा? क्या फुल वैक्सीनेशन के बाद स्कूल खुलेंगे या पार्शियल वैक्सीनेशन पे ही स्कूल खोल दिए जाएंगे? तो कई सारे ऐसे इश्यूज हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखकर ही जो है एडमिनिस्ट्रेशन को कोई अगला स्टेप लेना होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो पिछली सारी मेहनत है, सारी जितनी भी मेहनत की गई सेकेंड वेव में कि सेकेंड वेव को ख़त्म किया गया, ऐसा ऐसा अब केसेस बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गए, लेकिन ऐसा ना हो कि सब मेहनत पे पानी फिर जाए। और साथ ही साथ डेल्टा प्लस वायरस कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा डेडली वायरस है, बहुत ज़्यादा पिछले दो जो वेरिएंट्स थे उनसे भी ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट बताया जा रहा है। तो ऐसे में और साथ ही साथ बच्चों के ऊपर जो असर पड़ने वाला है उस चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा एडमिनिस्ट्रेशन को, स्कूल डिपार्टमेंट को, उसके बाद ही कोई फैसला जो है स्कूल डिपार्टमेंट को इस बारे में लेना होगा। आप लोग भी, जितने पेरेंट्स हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं कि क्या वैक्सीनेशन से पहले स्कूल खोले जाने चाहिए या नहीं। उसके अलावा दूसरा पॉइंट ये भी होगा कि क्या, माफ़ कीजिएगा, फिर से कुछ कनेक्शन इशू हुआ था कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के बारे में है सोचना पड़ेगा, और पेरेंट्स को भी एक बार ही जो है सोचना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में, क्या पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए रेडी हैं या नहीं, क्योंकि थर्ड वेव बहुत ज़्यादा डेडली होने वाली है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। इसलिए कोई भी फैसला आता है बच्चों के लिए तो सोच समझ कर वो फैसला आना चाहिए, क्योंकि बात है देश के भविष्य के बारे में, बात है हमारे आने वाले कल के बारे में, बात है बच्चों के बारे में, और बात है उन मासूम बच्चों के बारे में जो अभी प्रॉपरली अभी सेकेंड क्लास में है या फर्स्ट में है, उन बच्चों के बारे में भी सोचना होगी क्या उन बच्चों को भी स्कूल भेजा जाएगा। और देखने वाली बात ये होगी अगर स्कूल खुलते हैं तो 15 तारीख के बाद अगर स्कूल खुलते हैं तो किस क्लास से लेकर जो है कौन से स्टैंडर्ड से जो है क्लासेस शुरू की जाएंगी, क्या पिछली बार की तरह 10th से लेकर 12th का किया जाएगा या 9th 10th 11th 12th, वो सब भी देखने वाली बातें होंगी। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें द फोर्थ स्टेट न्यूज़ नेटवर्क के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, कैमरा के पीछे अक्षय रातू।